हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आसिफ और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आर्टिकवुड टेक्नोलॉजीज में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि हम यहाँ पर एप्पल प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है थिंग्स टू चेक बिफोर बाइंग ए यूज्ड एप्पल मैकबुक। तो एक सेकेंड हैंड मैकबुक खरीदना काफ़ी टफ जॉब है क्योंकि एक सही और परफेक्ट मशीन मिलना बहुत मुश्किल जॉब है और इसी मुश्किल जॉब को आसान करने के लिए हमने आज एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसके अंदर हम टेक्निकली एक एक चीज़ चेक करके आपको बताएंगे कि किस तरह एक एप्पल मैकबुक प्रो टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे चेक करते हैं एक यूज्ड एप्पल मैकबुक प्रो लैपटॉप का फिजिकल एस्थेटिक्स देखना है, कहाँ पर डेंट वगैरह तो नहीं है, एजेस वगैरह चारों तरफ से आपको देखना है। अगर डेंट्स वगैरह स्क्रैच वगैरह है तो आप बार्गेन कर सकते हो प्राइसिंग में। अबाउट दिस मैक में, सो मैक ओएस मोहावे वर्शन 10.14 इसका मैक ओएस एक्स वर्शन है। मैकबुक प्रो रेटिना 13 इंच अर्ली 2015 इसका मैन्युफैक्चरिंग है। 2.7 GHz इंटेल कोर i5 प्रोसेसर है। मेमोरी इसकी 8GB 1/8 DDR3 रैम है। ग्राफिक्स इंटेल आयरिस ग्राफिक्स 6100 सीरीज 1.5 GB दैट इज 1536 MB। यहाँ पर इसका सीरियल नंबर है। इसका डिस्प्ले रेजोल्यूशन है 2560 हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स है और 1600 वर्टिकल पिक्सल्स है। सो दिस इज अ रेटिना डिस्प्ले। इसका स्टोरेज है 128 GB फ्लैश स्टोरेज। सो दिस इज द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस लैपटॉप। हम इसके बिल्ट इन यूटिलिटी को यूज करेंगे जिसके लिए हमें जाना है एप्पल सिस्टम प्रेफरेंसेस। कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो शो कीबोर्ड एंड इमोजी व्यूवर्स इन मेन्यू बार। तो आप इसको टिक करेंगे तो आपको मेन्यू बार में एक एक्स्ट्रा आइकन आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक आइकन आ गया है। अभी हम इसे क्लोज कर देंगे और अभी उस आइकन पर क्लिक करके हमें जाना है शो कीबोर्ड व्यूवर पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपको ऑनबोर्ड कीबोर्ड बना आ गया है। इसका आप साइज सेट कर सकते हो आपके हिसाब से। तो जो जो मैं बटन हिट करूंगा दैट पर्टिकुलर बटन विल बी प्रेस्ड ओवर हियर। सो जैसे कि हमने पूरा कीबोर्ड टेस्ट कर लिया है, ये कीबोर्ड परफेक्ट वर्क कर रहा है। आप नॉर्मली अगर प्रेस करोगे तो आपको ये नॉट अवेलेबल दिखाएगा क्योंकि यहाँ पर इसके सेंसर दिया गया है। तो हमें जो वेबकैम के बाजू में एक सेंसर है उसे हाइड करना है तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी यू कैन सेट द लाइट। और इस सेट करने के बाद अगर आप साइड एंगल से देखोगे तो आपको इसके अंदर एलईडी लाइट दिखाई देगी। सो बाय डिफॉल्ट हम जाएंगे सिस्टम प्रेफरेंसेस ट्रैक पैड। सो बाय डिफॉल्ट यूजुअली टैप ऑफ रहता है, हमें इसे ऑन करना है। और अगर आप इसे चेक करोगे तो डबल टैप से राइट क्लिक हो रहा है और लेफ्ट क्लिक से यू कैन सेलेक्ट द पर्टिकुलर एक्शन। तो मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ तो ये पर्टिकुलर काम कर रहा है और राइट क्लिक डबल टैप से। अभी हम जब टैप करेंगे तो भी ये काम कर रहा है, तो हमारा टैपिंग भी काम कर रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें इसका जेस्चर चेक करना है। तो जेस्चर चेक करने के लिए परफेक्ट फोर फिंगर स्लाइड, दो फिंगर से बैक, दो फिंगर से फॉरवर्ड। सो जैसे हमने अभी चेक किया, इसका ट्रैक पैड का सारे फंक्शन परफेक्टली काम कर रहे हैं। सिस्टम प्रेफरेंस में हम जाएंगे साउंड और आउटपुट। अभी आउटपुट के अंदर आपको इंटरनल स्पीकर्स दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं इसके अंदर हेडफोन प्लग करूंगा तो यहाँ पर हेडफोन बना आ जाएगा। अगर आप अभी साउंड सुनोगे इसके अंदर परफेक्ट काम कर रहा है। और हेडफोन के अंदर भी यू कैन लेफ्ट और राइट आप चेक कर सकते हो। सो ये पेंडल मैं कनेक्ट करता हूं, आप देखोगे तो यहां पर इसका आइकन बना आ जाएगा। सिमिलरली हम राइट हैंड साइड का पोर्ट भी चेक करेंगे, यूएसबी पोर्ट। यहां का भी पोर्ट काम कर रहा है तो पेंडल भी काम कर रहा है। WD का थंडरबोल्ट हार्ड ड्राइव,
तो इसे हमें प्लग करना है। ये मेरा हार्ड ड्राइव बना आ गया थंडरबोल्ट, इसे हम इजेक्ट कर लेंगे। सेकंड पोर्ट भी ट्राई करेंगे, ये बन के आ गया, हमारे दोनों थंडरबोल्ट पोर्ट्स काम कर रहे हैं। एक HDMI केबल अगर आपके वेंडर के पास, आप जिससे ले रहे हो, अगर उसके पास TV वगैरह है या मॉनिटर है, तो आप ये केबल कनेक्ट करके HDMI से उसका दूसरा एंड उसके मॉनिटर पे कनेक्ट करके आप वो डिस्प्ले चेक कर सकते हो। अगर आप डिस्प्ले आ जाएगा तो वो पोर्ट वर्किंग है। एक कार्ड इसे इंसर्ट करना है सिक्योरली, यहाँ पर इसका आइकन बना आ जाएगा अगर काम कर रहा है तो। यस, तो ये इसका SDXC कार्ड स्लॉट भी वर्क कर रहा है। स्पीकर टेस्ट करने के लिए हमें गाना प्ले करना पड़ेगा। अगेन सिस्टम प्रीफ्रेंस में जाएंगे, साउंड पे क्लिक करेंगे, आउटपुट पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट स्पीकर्स और राइट स्पीकर। वॉल्यूम आपको फुल करके चेक करना है, अगर थोड़ा भी क्रैकिंग नॉइस आ रहा है या थोड़ा भी डिस्टर्बेंस है तो स्पीकर में प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये ज़रूर चेक करना आप खरीदने से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आपको ब्लूटूथ पे जाके ब्लूटूथ प्रेफरेंस में ऑन करना है और यहाँ पर जैसे कि हम ये माउस टेस्ट करेंगे, इसे हम ऑन करेंगे, ऑन करेंगे तो यहाँ पर ये डिस्प्ले करेगा। आप जैसे कि देख सकते हैं एप्पल मैजिक माउस आ गया है, कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद इसका फंक्शनलिटी चेक कर सकते हैं, तो ये वर्क कर रहा है, तो इसका ब्लूटूथ भी परफेक्ट वर्किंग है। आपको बेसिकली ऊपर टॉप कॉर्नर पे वाईफाई दिखाई देगा, आप क्लिक करोगे तो आपको चेक करना है। एक इसका चेक करने के लिए आपको मैं एक अच्छा आइडिया देता हूँ, आपको ऑल्ट बटन प्रेस करना है और देन आपको वाईफाई पे क्लिक करना है, तो आपको काफ़ी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इसके अंदर आपको ये चेक करना है RSSI, रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेशन। -30 इज़ परफेक्ट, -40, -50, -60 तक ठीक है। अगर आपका -60 के अभाव है तो आपका सिग्नल स्ट्रेंथ थोड़ा वीक है। ये डिपेंड्स ऑन द राउटर, आपका वाईफाई राउटर कितना दूर है उसके हिसाब से आपको ये सिग्नल स्ट्रेंथ दिखाई देगा। सो ये बेसिकली एक तरीका है वाईफाई चेक करने का। और ऑफकोर्स आप जाके यूट्यूब वगैरह चेक कर सकते हो या आप इंटरनेट ब्राउज कर सकते हो। बैटरी टेस्ट करने के लिए आपको बैटरी साइकिल काउंट चेक करना है। बैटरी साइकिल काउंट बेसिकली कितने बार बैटरी यूज़ हुआ है, आपको उससे एक रफ आइडिया आ जाता है। अगर आपने एक बार चार्ज करके ड्रेन किया है तो 1 साइकिल काउंट हो गया है, सिमिलरली 2, 3, 4, 5, तो वो चेक करने के लिए आपको अगेन अबाउट दिस मैक पे क्लिक करना है, सिस्टम रिपोर्ट पे क्लिक करना है और लेफ्ट हैंड साइड मेन्यू में हार्डवेयर के अंदर पावर पे क्लिक करना है, हेल्थ इन्फॉर्मेशन के अंदर साइकिल काउंट। और अगर आपको और थरली चेक करना है बैटरी, तो आपको गूगल पे जाके कोकोनट बैटरी करके एक यूटिलिटी है, तो बेसिकली डिजाइन कैपेसिटी जो है जब लैपटॉप नया होता है तो 100% होती है, और जैसे जैसे लैपटॉप पुराना होएगा बैटरी ड्रेन होती जाती है, तो ये बहुत ही बड़े यूटिलिटी है बैटरी का हेल्थ स्टेटस चेक करने के लिए। हमें राइट क्लिक करना है और चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर जाना है, तो कस्टम कलर पर क्लिक करेंगे, इस आइकन को सेंटर पर लेके आके और इसको ये स्लाइडर को फुल लेफ्ट में क्लिक कर देंगे, उसको क्लोज कर देंगे। तो फिजिकली चेक करना है कि कहीं पर भी डेड पिक्सल्स लाइंस वगैरह कुछ दिखाई ना दे आपको। अगेन चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, कस्टम कलर और ये स्लाइडर को एक्सट्रीम राइट में लेके आ जाना है। सो ये इसका ब्लैक बैकग्राउंड है, तो आप जैसे कि देख सकते हो एकदम यूनिफॉर्म है, मुझे इसके अंदर कहीं भी ब्राइट पिक्सल नहीं दिखाई दे रहा है और कहीं भी लाइन वगैरह कुछ नहीं दिखाई दे रही है। सो इस तरह हमने चेक कर लिया डिस्प्ले को भी। आप FaceTime ID यूज़ कर सकते हो या फिर बिल्ट इन फोटो यूटिलिटी चेक कर सकते हो। सो फोटो बूथ इधर है और FaceTime भी है, शॉर्टकट है कमांड और स्पेस बार, और यहाँ पर फोटो बूथ लिखोगे तो फोटो बूथ आ जाएगा। फोटो बूथ इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इसके अंदर हम ऑडियो और वीडियो दोनों चेक कर सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, इसका अगर आपको ऑडियो चेक करना है तो आपको क्लिक करना है वीडियो पे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर वीडियो है और आपको वीडियो पे क्लिक करना है। Hello mic test, can you hear me? Hello guys, so मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसे मैं प्ले करता हूँ।
हमें ऑडियो भी अगर आ गया तो इसका बिल्ट इन माइक भी परफेक्ट काम कर रहा है। हेलो माइक टेस्ट, हेलो माइक टेस्ट, कैन यू हियर मी? हेलो गाइस, जैसे कि आपने देखा इसका वेबकैम और इसका बिल्ट इन माइक परफेक्ट काम कर रहा है। सो हमें मैक फैन कंट्रोल इंटरनेट पे आप गूगल पे के स्मॉल यूटिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अगर मैं कस्टम स्पीड पे जाके इसका आरपीएम को इंक्रीज़ करता हूँ और ओके दबाता हूँ तो इसका जो स्पीड है काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पर इसका करंट स्पीड दिखा रहा है 5000 6000 क्योंकि मैंने मैक्सिमम रखा हूँ। सिमिलरली आपको जो वैल्यू सेट करना है सेंसर बेस्ड तो आप सेट कर सकते हो। इसकी स्पीड कम हो गई अभी और ऑटो पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक फ़ैन कंट्रोल करेगा। तो इसका फ़ैन भी परफेक्ट काम कर रहा है। आपको इंटरनेट पे जाके एक स्मॉल यूटिलिटी है यूनिजिन हेवन करके है, ग्राफिक्स टेस्ट करने के लिए दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन। और यहाँ पर आप इसका बेंचमार्क पे क्लिक करके बेंचमार्क कर सकते हो। टोटल 20 सीन्स प्ले करेगा ये। और जैसे कि आप देख सकते हो इसके टॉप राइट कॉर्नर पे FPS, CPU प्रॉक्सिमिटी और टेम्परेचर दिया हुआ है। सो अगर ये डेडिकेटेड ग्राफिक्स मॉडल रहेगा तो GPU टेम्परेचर भी यहाँ पर दिखाई देगा। सो इस तरह से आप पूरा बेंचमार्क टेस्ट कर सकते हो। चार्जिंग पोर्ट है, इसके अंदर 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5, क्लीन होना चाहिए और विदाउट एनी बर्न और समथिंग। सो दिस इज द मैक्सिफ चार्जिंग पोर्ट, 5 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5। तो ये आपको चेक करना है एक भी बर्न ना हो, एकदम परफेक्ट होना चाहिए पांचों के पांचों पॉइंट्स। और हमें इसे कनेक्ट करके चेक करना है। आप कनेक्ट करोगे तो पहला ग्रीन रहेगा, कुछ सेकंड बाद रेड हो जाएगा। सिमिलरली आपको दूसरे मेथड में भी टेस्ट करना है। सो इस तरह से आपको दोनों वे से टेस्ट करना है एडाप्टर। सो ये एडाप्टर परफेक्ट काम कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक अच्छे और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।